गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे जो दवा है डॉक्टर बोरिक सर से, डॉक्टर बोरिक मटेरिया मेडिका से, वो है एग्नस कैस्टस। बहुत से लोग इस दवा के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, या कह दूँ या मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरा काम है कि मैं डॉक्टर बोरिक सर में क्या लिखा है उन चीज़ों को पढ़ाऊँ। और उस सीरीज में ये मेरा वीडियो है। एग्नस कैस्टस का जो स्फीयर ऑफ एक्शन है या जो सब सेंटर है, जैसे जब हम एंटी कोड पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है सेंटर जो है वो सोलर प्लेक्सस है। एग्नस कैस्टस में जो सेंटर है वो है सेक्सुअल ऑर्गन्स। ये सेक्सुअल ऑर्गन आपको मेल और फीमेल दोनों में मिलेंगे। यहाँ पे एग्नस कैस्टस के बारे में कहा जाता है कि अगर इसको आप किसी को देते हैं जब प्रूविंग के लिए, तो ये इट लोअर सेक्सुअल वाइटलिटी, ये सेक्सुअल वाइटलिटी को लो करता है विद करस्पॉन्डेंट टू मेंटल डिप्रेशन। तो आपके पास कोई भी जब सेक्सुअल प्रॉब्लम लेके आएगा विद मेंटल डिप्रेशन, वहाँ पे आपको एग्नस कैस्टस इंडिकेटेड होगी। और इसका सेक्स पे किस तरह से मेल में क्या इफेक्ट आता है और फीमेल में, ये भी जानने वाली बात है कि किस तरह से ये मेल और फीमेल में किस तरह से इफ़ेक्ट करती है ये दवा, इसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है। इसमें एक बात डॉक्टर बोरिक ने लिखी है कि प्रीमेच्योर ओल्ड एज फ्रॉम एब्यूज़ ऑफ सेक्सुअल पावर। कुछ लोग समय से या उम्र से पहले हैं, वो 40 साल के लगते हैं, वो 56 साल के या 30 साल के 40 साल के लगते हैं, ये आता है उनके सेक्सुअल एब्यूज़ के बाद। और यहाँ पे क्योंकि ये एक दवा सेक्सुअल स्फीयर पे काम कर रही है, तो यहाँ पे गोनोरिया या साइकोटिक डिजीज़ जो है, गोनोरिया रिपीटेडली मिलेगी आपको पेशेंट के अंदर। आपको ये दवा एक और एक खास वजह से बहुत इंडिकेटेड होगी जो डॉक्टर बोरिक ने कहा है। इट ए प्रोमिनेंट रेमडी फॉर स्प्रेन एंड स्ट्रेन। जैसे स्प्रेन हो जाता है और स्ट्रेन, उन दोनों केसेस में, दोनों कंडीशन में ये आपको दवा इंडिकेटेड मिलेगी। दूसरा एक लाइन है, गनाइंग इचिंग इन ऑल पार्ट्स स्पेशली आइज। अगर कुछ काटता चला जा रहा है, ठीक है, और टैकीकार्डिया काज बाय टोबैको न्यूरोटिक यंग मैन, जैसे टबैकम में भी टोबैको हार्ट होता है, उसी तरह से उन पेशेंट में जो लोग स्मोकिंग करते हैं, गुलमंजन करते हैं या टोबैको लेते हैं, उनमें अगर कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। फिर माइंड में हम देखते हैं इसमें कि सेक्सुअल मेलंकोली, सेक्सुअलिटी की वजह से उसको ये फील होता है, जैसे स्टेफिस एंग्रिया को ये फील होता है कि मुझसे गलती हो गई, ये सेक्सुअल जो गिल्ट वर्ड कहते हैं जिसको, जैसे स्टेफिस एंग्रिया में है, मिडराइनम में है, उसी तरह से एग्नस कैस्टस में है। सैडनेस विद इम्प्रेशन ऑफ स्पीडी डेथ, अब मैं बहुत जल्दी मर जाऊँगा, नहीं बचूँगा। एब्सेंट माइंडेड, फॉरगेटफुल, लैक ऑफ करेज, इल्यूजन ऑफ स्मेल, उसको इल्यूजन होता है महक, हेयरिंग एंड मस्क का इल्यूजन होता है, नर्वस डिप्रेशन एंड मेंटल फॉरबोडिंग। फॉरबोडिंग मतलब है आगे भविष्य के लिए सोच विचार करना। दिस इज जस्ट लाइक एंटिसिपेशन विच इज़ वेरी इन नेगेटिव मैनर। आइज में क्या है, पीपल डायलेटेड मिलेगी आपको लाइक बलडोना, इचिंग अराउंड द आइज, फोटोफोबिया मिलेगा आपको। नोज में वही ऑर्डर ऑफ हेयरिंग और मस्क, एचिंग ऑन द डॉर्सम, बेटर प्रेशर। एब्डोमेन में स्प्लिनोवेगेली मिलेगी आपको, स्प्लीन इज स्वेलन एंड सोर, स्टूल सॉफ्ट एंड रिसीट लाइक एल्बिना, डीप फिशर इन द एनस लाइक एल्बिना, साइलिशिया, रथेनिया, नाइट्रिक एसिड। नॉजिया विद सेंसेशन एज इफ इंटेस्टाइन वाज प्रेस्ड डाउनवर्ड, वांट टू सपोर्ट बॉयल,
ये भी आपको एक सिम्टम मिलेगा, और यहाँ पे एसाइटिस के केस में भी एग्नस कैस्टस इंडिकेटेड होगी। मेल में येलो डिस्चार्ज फ्रॉम यूरेथ्रा गोनोरिया, नो इरेक्शंस, इम्पोटेंसी, पार्ट कोल्ड रिलैक्स्ड, डिजायर गॉन, स्कैंटी इमिशन विदाउट एजुकुलेशन, लॉस ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूड। ये पेशेंट गांव के भी बहुत आते हैं और शहर में भी बहुत आते हैं। गांव के पेशेंट अक्सर आते हैं, कहते हैं धातु रोग हो गया है, अक्सर धातु का रोग हो गया है, तो ये उन पेशेंट में है। यहाँ पे ग्लीडी डिस्चार्ज है, प्रोस्टेटोरिया है, यानी प्रोस्टेट का डिस्चार्ज हो रहा है प्रोस्टेटिक फ्लूड का। फीमेल में स्कैंटी मेंसेस हैं, एबोरेंस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब सेंटर सेक्सुअल इंटरकोर्स के वर्ड से नाम से घृणा हो गई है। रिलैक्सेशन ऑफ जेनिटल विद लिकोरिया, गैलेक्टिया, मतलब उन फीमेल्स में भी एग्नस इंडिकेटेड होती है जिनको चाइल्ड बर्थ के बाद मिल्क नहीं आता है, वहाँ पर भी लेमैन इसको देते हैं। और जो लोग वेटरनरी डॉक्टर कर मतलब प्रैक्टिस करते हैं वो लोग भी एग्नस कैस्टस को देते हैं। एगलेक्टिया विद सैडनेस, स्टेरिलिटी, लिकोरिया स्टेनिंग येलो, ट्रांसपेरेंट, हिस्टोरिकल पल्पेशन विद एपिस्टेसिस, विदाउट एनी हार्ट पैथोलॉजी पल्पेशन हो सकते हैं और विद एपिस्टेसिस नो ब्लीडिंग हो सकती है। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे कैम्फर से, लाइकोपोडियम से, फास्फोरिक एसिड से और सेलेनियम से। ये जितनी भी मेडिसिन है इसमें आपको फास्फोरिक एसिड, लाइकोपोडियम, सेलेनियम आपको बहुत बार इंडिकेटेड होंगी जो लोग मेल्स में सेक्सुअल प्रॉब्लम लेके आते हैं या इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम को लेके आते हैं। इसको डॉक्टर बोरिक ने फर्स्ट 2-6 प्रेगनेंसी के लिए रिकमेंड किया है और वो बहुत ही सक्सेसफुल थे, क्योंकि उनका जो प्रैक्टिकल अप्रोच, क्योंकि एलोपैथ अधिकतर अच्छे होम्योपैथ, बहुत अच्छे एलोपैथ भी हुए हैं, एक ये मान्यता रही है, उसी मान्यता में डॉक्टर बोरिक भी कहीं ना कहीं सही थे। तो एक छोटी सी मेडिसिन लेके आया हूँ मैं एग्नस कैस्टस, तो इसी तरह से हम लोग आगे भी मेडिसिन बोरिक डॉक्टर बोरिक सर से पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।